हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं मित्रों, वो गुलाम वंश का अगला शासक हम पढ़ने वाले हैं, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसको दोस्तों शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले इल्तुतमिश के शासनकाल को। इल्तुतमिश का जो काल है कब से कब तक रहा, सबसे पहले इसका समय काल देखेंगे। तो टाइम पीरियड देखेंगे तो समय काल लिख देता हूं मैं यहां पर, इल्तुतमिश का समय काल 1210 से 1236 तक रहा। इल्तुतमिश का समय काल कब से कब तक रहा, 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है दोस्तों। अब देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अर्थात भारत में तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मित्रों यदि बात करें हम दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की, तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे मित्रों। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। इसके काल में चाइना के भाग से लेकर, चाइना के दक्षिणी भाग से लेकर भूमध्य सागर तक और इधर हम कहें कि पाकिस्तान का जो एरिया है उसको कवर कर गया था इसका शासनकाल। अब देखिए, इल्तुतमिश जो था इसने शमसी वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने कौन से वंश की स्थापना की थी, शमसी वंश की स्थापना की थी। इब्न बतूता के अनुसार, एक इतिहासकार हैं इब्न बतूता, इबन बतूता के अनुसार, इतिहासकार एक इबन बतूता है, इबन बतूता के अनुसार जो इल्तुतमिश ने संगमरमर के दो शेर बनवाए, शेर लॉयन, ठीक है भाई, क्या बनवाए, दो शेर बनवाए, ठीक है, और इन दो शेरों के गले में घंटी लगवाई। यदि यह कोई घंटी बचाता था तो इसका मतलब वो उसके दरबार में न्याय मांगने के लिए आया है। तो जैसे वैसे तो न्याय की जंजीर और न्याय की घंटियों के लिए जहांगीर भी प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन बात है दोस्तों गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के इस शासक ने अपने शासन काल में, गुलाम वंश के इस शासक ने अपने शासन काल में दो संगमरमर से निर्मित शेरों की मूर्ति बनवाई और उनके गले में घंटियां लगवाई, जिनको बजाने से यह समझा जाता था कि बजाने वाले व्यक्ति उसके दरबार में न्याय प्राप्त करने के लिए आया है। तो इब्न बतूता के अनुसार यह एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार क्या था, यह एक न्यायप्रिय शासक था। क्लियर हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। तो इक्ता प्रथा का प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। इसने क्या है कि अपने राज्य को इक्तेदारों में विभाजित किया, अर्थात वहां से वो टैक्स वसूलेगा, उनकी सो सैनिकों की जो आमदनी है वहां से आएगी। एक प्रकार से छोटे छोटे इसको डिपार्टमेंटों में विभाजित कर दिया, या हमें कहें कि सूबेदारी प्रणाली लागू कर दी, जो अकबर की बोली जाती है मनसबदारी प्रणाली जैसी ही प्रणाली थी। ठीक है, आगे हम एक बहुत बड़े इक्तादार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था अल्तुनिया। रजिया सुल्तान के समय में पढ़ेंगे अल्तुनिया, जिसने अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह किया था। अल्तुनिया तबर हिंद का इक्तेदार था। अब तबर हिंद वर्तमान में भटिंडा को कहा जाता है। तो बाकी सारी नॉलेज हम ही अल्तुनिया के बारे में रजिया सुल्तान के काल में लेंगे। तो इसमें कौन सी प्रथा प्रारंभ की, इक्ता प्रथा प्रारंभ की दोस्तों। कौन सी प्रथा प्रारंभ की, इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। देखिए, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे चालीसा संगठन कहा गया। चालीसा संगठन का गठन करने वाला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश था।
चालीसा संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और चालीसा संगठन को तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। क्या कहता है? तुर्कान, चालीसा सरदारों के संगठन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। ये इल्तुतमिश के 40 विश्वास पात्र सरदार थे जिनका एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसे चालीसा संगठन या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। आगे देखिए, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था मित्रों? इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत। ये सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं यहां से कि इब्न बतूता के अनुसार कौन से शासक ने संगमरमर से निर्मित शेर की मूर्ति बनवाई? इल्तुतमिश ने। इब्न बतूता के अनुसार न्याय का जीता जागता बादशाह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। शमसी वंश किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। एकता प्रथा किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो आगे चलकर रजिया सुल्तान के नाम से जानी गई। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को क्या घोषित किया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाद में रजिया पढ़ाएंगे तब बताएगा कि शासन में क्या क्या दिक्कतें आई, सारी चीजों का वर्णन किया जाएगा। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का पिता कहा जाता है दोस्तों। अर्थात इल्तुतमिश ने ही भारत में सबसे पहले मकबरा बनाना प्रारंभ किया था। सबसे पहले मकबरे बनाना किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इस कारण इल्तुतमिश को मकबरों का पिता कहा जाता है। इतिहास का वह कौन सा शासक है जिसे मकबरों का पिता कहा जाता है? इल्तुतमिश है दोस्तों। कौन सा है? इल्तुतमिश है। एक बार टैली कर लेते हैं फटाफट। इल्तुतमिश का जो समय काल है कब से कब तक बताया गया है? 1210 से 1236 तक बताया गया है। मरने से पहले इसने अपनी पुत्री को रजिया को सुल्तान घोषित, मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसने सुल्तान का पद वंशानुगत किया। इसने इकता प्रथा का प्रारंभ किया। इसने शमसी वंश की स्थापना की। इसने संगमरमर से निर्मित दो शेर की मूर्ति बनवाई जिसके गले में घंटियां लगवाई। वो घंटियां जो बजाता था उसका ये अर्थ होता था कि उसके दरबार में न्याय मांगने के लिए आया है। इसके दरबार में इब्न बतूता एक इतिहासकार था। इसके शासनकाल में चालीसा संगठन का एक गठन किया गया। इस चालीसा संगठन को तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है दोस्तों। इल्तुतमिश आशा करता हूँ आसानी से आपको समझ में आया होगा। कल एक फिर मिलते हैं इसी प्रकार की छोटी सी अच्छी सी और प्यारी सी क्लास के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।